मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जनपद पंचायत में आचार्य शंकराचार्य जी की जयंती के उपलक्ष में एकात्म पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक बैजनाथ सिंह कुशवाहा और जनपद पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत और अतर सिंह रावत, और साथ ही कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद मुरैना के जिला समन्वयक सतीश सिंह तोमर, ब्लॉक समन्वयक वंदना सागर के नेतृत्व में पधारे हुए मुख्य अतिथियों के द्वारा आचार्य शंकराचार्य के फोटो पर पुष्प माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मंच का संचालन धर्मेंद्र सिंह राठौर के द्वारा किया गया। विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी के द्वारा आचार्य शंकराचार्य जी पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि उनके विचार प्रदेश आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर आधारित है, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप में रहता है। इसी क्रम में डॉक्टर मनु शर्मा ने शंकराचार्य जी के जीवन शैली पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शंकराचार्य जी ने वेद वेदांतों के इस ज्ञान को भारत के चारों कोनों में फैलाया। शंकराचार्य के द्वारा कथित तथ्य और सिद्धांत, जिसमें सांसारिक और दिव्य अनुभव दोनों का मिलन है, जो कहीं देखने को नहीं मिलता है। जन अभियान परिषद में परामर्शदाता वर्षा जादौन ने भी एक कहानी के माध्यम से आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन से प्रभावित होने वाले प्रेरणा प्रसंग को सुनाया। इसी तरह मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम की छात्रा दिव्या शर्मा और आरती निबोरिया के द्वारा शंकराचार्य जी के जीवन काल को विस्तार से सबके समक्ष प्रस्तुत किया। छात्रा कृष्णा चतुर्वेदी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर गीत सबके समक्ष रखा गया। कार्यक्रम में नवाकुर संस्था से लोगों के द्वारा रंगोली निकालकर समाज के प्रति जागरूकता का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया गया। हरिओम शर्मा की रिपोर्ट।